प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 दिन के दिल्ली और उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा कि कांग्रेस आलाकमान से अपॉइंटमेंट मिले तो बात जरूर होगी, हालांकि इससे ज्यादा सीएम मंत्रिमंडल को लेकर कुछ भी नहीं बोले। वहीं उन्होंने उनके इस बयान से इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद सीएम हाईकमान से इस मंत्रिमंडल फेरबदल का मुद्दा उठाएंगे, और साथ ही साथ अगर कांग्रेस आलाकमान से हरी झंडी मिलती है तो प्रदेश में मंत्रिमंडल का फेरबदल हो सकता है। ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल में 2 से 3 नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। वहीं कमजोर परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को बाहर भी होना पड़ सकता है। देखिए, फेरबदल होगा कि नहीं होगा, फेरबदल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जो फेरबदल है वो क्या राजस्थान की तर्ज पर होगा, फेरबदल क्या जनता के फायदे के लिए होगा कि नेताओं को खुश करने के लिए होगा, फेरबदल क्या गुटबाजी के आधार पर होगा, क्या फेरबदल से छत्तीसगढ़ को फायदा होगा, छत्तीसगढ़ की जनता को फायदा होगा? और मुझे नहीं लगता है कि खाली हर बार हर मुद्दे पर, जैसे 2.5 साल का मामला चला और फिर वो टाए टाए फिक्स हो गया, वैसे ही फेरबदल का मुद्दा चलेगा और क्या उसको कर पाएंगे और उससे क्या छत्तीसगढ़ की जनता को फायदा होगा, ये आने वाले गर्भ में है।